Hi guys, hello, welcome back to my channel, Optimistic Always with a Z in the end. I am Shipra और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा special चीज़. क्या आप excited हो? Anyways, obviously आप excited होंगे. So yes, मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ मेरा purple का haul. ये मैंने purple से कुछ products मंगवाए हैं. और यू नो जल्दी इसका पार्ट टू आने वाला है बिकॉज मैंने पर्पल से ये सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं जो आपको जल्दी यू नो मुझे जैसे ही रिसीव हो जाते हैं विद इन 2 to 3 days या 4 days आपके पास वापस वो वीडियो फिर से आने वाला है. सो इससे पहले भी मैंने पर्पल के आई गेस 2-3 हॉल दिखा रखे हैं. सो प्लीज हैव अ लुक एट इट. अगर आपने नहीं देखा उसमें भी बहुत बहुत यू नो मजेदार चीजें हैं. सो यस एंड वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप नोटिफाई हो पाओ. सो यस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो यस यहाँ पे ये जो पर्पल का हॉल है इसमें से मैं इसको साइड में रख देती हूँ यहाँ पे और इसमें से मैं आपको यू नो एक एक करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये आई एम्स्टरडैम का लिपस्टिक. दिस इज मैट लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज ट्रांसफर प्रूफ एंड हाईली पिगमेंटेड. इसकी ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है ऐसा कुछ दिखता है ये. इसकी पैकेजिंग काफी यू नो नॉर्मल सी है बट क्यूट पैकेजिंग लगी मुझे इसकी. ऐसा भी कोई है ये अजीब सा पैकेजिंग नहीं है बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे. एंड येस आई एम्स्टरडैम की जो लिपस्टिक्स हैं उसमें आप तो जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हो बता देती हूँ कि जो भी कलर है यू नो आपको वो बाहर से दिखेगा और इस टाइप की ट्रांसपेरेंट यू नो बॉटल में आता है. सो दिस इज विच शेड दिस इज पियर GYNT1. सो ये जो भी शेड है मैं आपको लिंक यू नो डिस्क्रिप्शन एंड ऑल कहीं पे मैंशन. येस दिस इज इन द शेड पियर Jint 1. I was right. So yes, ये मेरा first product है. Second product जो मेरा है actually मेरे हाथ में जो भी आ रहा है वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ. So क्योंकि सारे products तो दिखानी है आपके साथ share करनी है. So this is aloe vera gel मेरे पास wow का है मेरे पास you know good vibes का है. So second यहाँ पे मैंने aloe vera का aloe vera gel लिया है क्योंकि मैं aloe vera gel को अपने face के लिए skin के लिए बालों के लिए बहुत चीजों के लिए use करती हूँ तो you know जल्दी जल्दी मेरा finish हो जाता है. So इसलिए मैंने सोचा ये भी try किया जाए aloe vera nourishing skin gel. सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है. एंड येस मैंने इसको इसलिए लिया बिकॉज आप जानते होंगे ग्रीन टी एंड वाइटामिन ई मेरे सबसे दो फेवरेट इंग्रेडिएंट्स. सो मैंने देखा कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स से ये बना है तो मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है. और ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ उसका किसी का भी आपको लाइक पर्सनल रिव्यू चाहिए होगा एक अलग से. सो मुझे नीचे बस कॉमेंट कर देना आई पर्सनली रिव्यू इट और जो भी उसका यू नो यूजेस होगा फॉर एनीथिंग वो भी मैं आपको साथ में दिखा दूंगी रिव्यू करने के साथ साथ. ये मैंने कोकोनट कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस लिया है गुड वाइब्स का. सो मैंने यू नो रिसर्च किया कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और इसको आप आसानी से स्किन पे यूज कर सकते हो. एंड यू नो जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो आपको स्किन पे यूज नहीं करना चाहिए और क्योंकि वो स्पेसिफिकली बालों के लिए होता है बट ये आप अपने हेयर के लिए स्किन के लिए कहीं के लिए भी यूज कर सकते हो. क्योंकि मैंने यू नो छोटा बॉटल ट्राई करा है अभी और अगर यू नो मेरे को सूट किया अच्छा लगा तो मैं जरूर इसको आगे यूज करूंगी फर्दर. सो दिस इज येस ये भी लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. दिस इज गुड वाइब्स चारकोल पाउडर. ये इसमें कोई पैराबेन्स नहीं है कोई सल्फेट्स नहीं है एंड इट्स क्रुएल्टी फ्री. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके सो ये मैं चारकोल पाउडर यू नो बहुत सारे यूजेस में आता है फॉर योर स्किन. सो अगर आपको अलग से देखना हो तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगी और रिसर्च करके मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया येस दिस इज अ वेरी यू नो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने लिया है. दिस इज Innisfree कैप्स्यूल रेसिपी पैक. ये एक्चुअली स्लीपिंग पैक है और इसके बारे में मैंने पढ़ा था तो बेसिकली इसको यू नो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में है ये वाइट कलर का हल्का सा लिक्विडी. ये मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो आई होप आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत. सो ये यू नो वाइट कलर की इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है. ओके एंड इसको आपको एक्चुअली क्या करना होता है बहुत कम क्वांटिटी है इसकी बट इसको आपको अपने फेस पे लगा के यू नो
सो जाओ आराम से, स्लीप ओवरनाइट एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ इन द मॉर्निंग. सो मैं आपको ये यूज करके जरूर बताऊंगी कुछ दिन, लाइक अ वीक और टू, कि यू नो ये कितने दिन चल पाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं और ये कैसे बेसिकली आपके स्किन पे वर्क करता है, ये मैं जरूर आपको यू नो यूज करके बताऊंगी. सो मैंने इसको प्योरली फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस लिया है. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मेरे पास ऑलरेडी था बट मैंने कहीं खो दिया एंड दिस इज अ वेरी नाइस न्यू कलर. सो इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया बिकॉज न्यूड कलर, अब देखो मैं स्टेक वर्की का न्यूड कलर अभी भी यू नो अपने लिप्स पे मैंने अप्लाई कर रखा है. सो न्यूड कलर मेरा यू नो गो टू, लाइक गो टू रेजिम में आता है, मैं कहीं भी निकल सकती हूँ न्यूड कलर यू नो अप्लाई करके. सो दिस इज, मैं आपको पहले भी अपने लिपस्टिक कलेक्शन में ये वाला लिपस्टिक दिखा चुकी हूँ. सो दिस इज एन वाई वे मेट्स मैट लिप क्रियॉन इन द शेड 3 सिटी फील्ड गॉट ओन. ये कुछ इस तरीके का दिखता है और इसलिए मैंने इसको नया लिया है और न्यू लिया है और मैं इसको जल्दी ओपन करूंगी बिकॉज न्यूड कलर. सो यस, ये मैंने लिया है मेरा प्यूमिस स्टोन, दिस इज ओवल प्यूमिस स्टोन. सो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आई हैड अ प्यूमिस स्टोन बिफोर ऑल्सो बट यू नो मेरा ब्रेक हो गया था और कभी कभी मुझे जरूरत पड़ता है, मैं यूज करती हूँ अपनी फीट के लिए. सो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्यूमिस स्टोन जब यू नो टूट चुका है तो उसको यू नो हटाया जाए एंड न्यू प्यूमिस स्टोन लाया जाए. सो यस आई गेस, यस दिस इज अ ग्रीन बेरी ऑर्गेनिक डिटॉक्स चारकोल एंड टी ट्री ऑयल सोप ब्रिक. ये टेस्टर है एंड ये फिलहाल 20 ग्राम की पैकेजिंग में यू नो मैंने लिया है. सो मैं जनरली सोप अप्लाई नहीं करती और मैंने आपके साथ अपने शार जेल के कलेक्शन का वीडियो भी शेयर किया हुआ है तो आप जानती होगी मैं शार जेल ही यूज करती हूँ बट ये छोटी सी पैकेजिंग में था तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करा जाए. साल हो गया मुझे सोप अप्लाई किए हुए सो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई वंस मोर. सो मैं इसको यूज करूंगी एंड देन आई गेस मेरे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए. नो, वन लास्ट प्रोडक्ट स्टिल लेफ्ट. सो दिस इज गुड वाइब्स लैवेंडर फूड स्क्रब. इसमें भी कोई पैराबेंस नहीं है, कोई सल्फेट्स नहीं है एंड इट्स क्रुएल्टी फ्री. ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, सॉरी पैचिंग क्यों बोलती हूँ मैं यार, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. सो मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं यू नो अपना पेडिक्योर और मैनिक्योर प्लान कर रही हूँ वीडियो शूट करने का. सो उसके लिए मैं बहुत चीजें यू नो बाय कर रही हूँ या फिर गाइस मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय दिस एंड लाइक ट्राई इट फॉर वंस एंड देन मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी जरूर शेयर करूंगी और हो पाए तो इस पर पूरा वीडियो ही बना के शेयर करूंगी जिसमें मैं अभी यू नो आजकल लगी हुई हूँ. सो यस, इसके साथ मेरा आज का हॉल पर्पल हॉल खत्म होता है. इसका पार्ट टू जल्दी आने वाला है सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल उसको देखने के लिए. एंड यस गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल. मुझे फेसबुक और ऑप्टिमिस्ट, आई एम सो सॉरी मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हमेशा, आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद माई चैनल्स नेम एनीवेज, आई शुड बी. सो यस, आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज उस पर जरूर फॉलो करना. सो यस गाइस, टाइम वेस्ट बिना किए हुए आप लोग को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है. बी हैप्पी गाइस, बाय.